My search for authentic Rajasthani food has brought me into a little byline of Mumbai. And don't be surprised and don't get me wrong, because I'm going to actually walk into a jewelry shop. You'll know why in a little while. नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्ते कैसे हो पधारो पधारो हमारे घर पे आ गए हमको बहुत खुशी हुई थैंक यू नमस्ते भाभी जी अरे वाह ये हमारे राजस्थानी वेलकम वेलकम सुपर्ब आई फील रियली रियली ऑनर्ड टू बी इन दिस प्लेस सो दिस इज सुरेश सिंघवी एंड मंजू जी यस हाउ आर यू नमस्ते अगेन You've been wondering what I'm doing in a jewelry shop. I'm going to tell you right now. Because although this is the jewelry shop, down this door, right inside is their home. And that's where the kitchen is. And that's where we're going to go. Lekin Manju ji se kehne wala ho ki to thoda hamare liye Rajasthani asli khana banaye. Lekin usse pehle, main aapko puchna chahta tha, aapki community, yani Rajasthani jo community hai, usme se zyada karke jewelry shop run karte hain? राजस्थानी कम्युनिटी में विशेष तौर से मारवाड़ी या मेवाड़ी जो कम्युनिटी है हमारे मेवाड़ के चार जिले अच्छा उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा अच्छा। चार जिले जो मेवाड़ क्षेत्र प्रांत के बोले जाते हैं जहाँ पर हल्दीघाटी है महाराणा प्रताप की और चित्तौड़गढ़ जो राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी जहाँ पैदा हुए उस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं अच्छा और हमारे क्षेत्र में रहने वाले 80% व्यक्ति 80% जो यहाँ माइग्रेट होकर यहाँ बॉम्बे आते हैं वो ज्यादातर ज्वेलरी का बिजनेस ही करता है अच्छा ज्वेलरी का बिजनेस तो आप एक्चुअली मेवाड़ी हो मेवाड़ी अच्छा सो यू बिलोंग टू मेवाड़ और जो लोग मारवाड़ से है वो मारवाड़ी एक्चुअली है जोधपुर जैसलमेर बीकानेर मारवाड़ और ये जो मेवाड़ के जो लोग होते हैं उनके खाने का कुछ स्पेशल कैसे 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 होता है उनका खाना मेवाड़ के लोग जो ट्रेडिशनली वहाँ पे जो खेतियार होते हैं किसान होते हैं तो हमारा उनका जो खाना होता है दाल बाटी चूरमा ढोकला मक्की की रोटी मालपुए ये हमारा ट्रेडिशनली दाल के साथ में खाया जाता है मेवाड़ी लोगों का ट्रेडिशनल खाना चलो तो आगे दुकान तो देख ले अभी मकान भी देख लेंगे और भाभी जी कुछ बोली नहीं है अभी तक लेकिन मुझे पता है कि किचन के अंदर जाकर बहुत सारा बात करेंगी वो तो भाभी जी चलो ये डिपार्टमेंट मेरा है दुकान का वो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट उनका है ऑब्वियसली वो वहां पे जाके ही ज्यादा बात करेंगे तो चलो उनको लेकर जाते हैं ओके सो वेयर इन द किचन वी ऑल रेडी टू स्टार्ट कुकिंग तो आज क्या बना रही है आप दाल बाटी चूरमा लड्डू चूरमे के लड्डू तो दाल बाटी चूरमा विच इज द आइकॉनिक डिश ऑफ द होल ऑफ राजस्थान सभी जो राजस्थान के सभी एरियाज में दाल बाटी चूरमा तो होता ही है ना मेन फेवरेट चीज उधर की यही है वही होती है तो चलो बनाते हैं हम लोग चलो रेडी है ये आपने क्या लिया है ये आटा और ये ऑयल है ये चपाती का आटा होता है वही है हाँ, चपाती के आटे में आपने तेल डाला है इसमें अभी अभी थोड़ा नमक ओके नमक के बाद में फिर थोड़ा सा सौंफ डालते हैं सौंफ उससे क्या टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है अच्छा ओके इट गिव्स सौरभ इट गिव्स अ नाइस सौरभ व्हाट इज द वर्ड मीन यानी खाते हुए अरोमा अच्छा देता है हाँ, वो खुशबू भी देता है एंड इट गिव्स अ वेरी स्वीट टेस्ट इंटरेस्टिंग द वर्ड सौरभ अ लिटिल बिट ऑफ सौंफ गोज इनटू द आटा व्हिच गिव्स खुशबू टेस्ट एंड इट्स कॉल्ड सौरभ आई लाइक दैट वर्ड तो भाभी जी ये आटा रेडी हो गया अभी हाँ। अभी इसका क्या होता है अभी बाटी बनाएंगे इसका चलो बाटी बनाते हैं इसका सो द आटा हैज बीन नाइसली नीडेड द स्पेशलिटी ऑफ दिस बीइंग दैट देयर इज सॉफ्ट इन इट एंड वी आर मेकिंग लिटिल बॉल नॉट लिटिल रादर लार्ज बॉल्स ऑफ इट व्हिच इज द बाटी एंड फ्रॉम व्हाट आई गैदर आई थिंक वी आर गोइंग टू गो इनटू दैट स्पेशल सॉर्ट ऑफ गैस तंदूर इफ आई मे कॉल इट दैट And they're going to be roasted or baked over there. Okay, they're going into the oven now because the bati is normally roasted or baked or put into the fire in Rajasthan. अभी भाभी जी इसको कितना टाइम लगता है पकने को? मुश्किल से 20 मिनट. 20 minutes. 20 minutes and the bati will be ready. In the meanwhile, I think we should start working on the dal. Dal. Okay. दाल अच्छा तो भाभी जी अभी आपके पास ये दो किस्म की दालें हैं हाँ। तो ये कौन सी दाल है ये उड़द की दाल है okay. और ये चने की दाल है तो दो दाल जाते हैं इसमें हाँ। ये थोड़ा क्वांटिटीज का ज्यादा लेते हैं उड़द का थोड़ा कम लेते हैं अच्छा ओके okay. और ये आप प्रेशर कुकर में डाल हाँ।
उड़द दाल चना दाल, मोर उड़द दाल लेस चना दाल। फिर उसमें पानी डालते हैं। और कितना सीटी है उसको? एक सीटी लगता है उसको। एक सीटी में बन जाता है? हाँ। अरे वाह, एक सीटी, ओनली वन सीटी। The batis are in the oven, they need to be occasionally rolled so that they get evenly cooked on every side. The dal is on the pressure, is in the pressure cooker. We're waiting for one siti, and the only thing left now to do, because work should go on, is the churma. Okay, so we're making the churma now, and for the churma, what we are doing is that we've used the same atta, the same atta that we used for the bati. The only thing is that this has got a lot of ghee in it, and it's also fried in ghee. अभी इसमें थोड़ा घी डालते हैं। Okay, घी in the आटा। In the आटा, उसमें थोड़ा आटा, मोटा आटा रहता है। हाँ। और फिर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी से आटा बांधते हैं ऐसा। Okay। हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको पिंडिया बनाने का ऐसा। क्या बनाने का? पिंडिया बनते हैं। पिंडिया, okay। चूरने के लिए। हाँ, अलग से बॉल नहीं बनाते इसका? नहीं, बॉल नहीं बनाते, उसको फ्राई करना पड़ता है ना। अच्छा, तो इसकी पिंडिया बनाते हैं। Okay, so the first siti or the one and only siti for the dal has happened. That means the dal is nearly ready. The batis are cooking in there. Will take another 5 minutes. And the churme ke laddu or the dough which has been made into pindias is ready over here, which has to be deep fried now in ghee. So the churme ke laddu are out of the ghee, nice fried golden. अभी क्या होता है? अभी इसको है ना ऐसा थोड़ा crush करते हैं। अच्छा, crush। Crush करने के बाद में उसको पीसते हैं फिर। तो इस चूरमे के लड्डू को आपको आपने क्रश कर लिया? चूरमा means चूर, यानी पाउडर। चूर, ओके, हाँ। तो वो पाउडर बना रहे हैं पहले। हाँ। लड्डू अब बाद में बनेगा जब पाउडर रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसका भी लड्डू बनेगा? हाँ, चूरमे के लड्डू नहीं है। These are called pindis. Okay, these are the pindis. When they are crushed into a powder, sugar will चीनी जाएगी, फिर बादाम और काजू का और थोड़ा सा पाउडर रहता है, वो जाएगा, उसके इलायची के पाउडर जाएगा, और फिर उसमें घी डाल के उसको अच्छे से एक लड्डू में कन्वर्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा मेहनत है, बहुत काम है, मेरे को लगा सिंपल डिश है ये। क्रश किया उसको, मिक्सर में डाला, मिक्सर में डाल के पीस लिया, फिर ये ऐसा पाउडर तैयार हो गया। ठीक है, अभी इसके लड्डू बनते हैं। बाद में उसमें शक्कर डालते हैं, चीनी, ग्राउंड शुगर, बादाम और काजू, बादाम काजू का पाउडर, इलायची का पाउडर एंड घी, एंड देन लड्डू इज आउट ऑफ दिस। Okay, so the laddus are ready, the bati is ready, and we all that is left to do is put tadka on the dal, and the dal bati churma will be done. We're now making the tadka for the dal. The tel has gone in it, the oil, hing, mustard seeds, jeera. After that, mirchi and lasun ka paste. Isme thoda sa kali mirchi and lavang ka powder bhi dalte hain. तो ये ब्लैक पेपर और क्लोव पाउडर टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा प्याज डालते हैं। ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, ओके, नमक डालते हैं, रेड चिली पाउडर, ये जो आपने डाला वो क्या है? बोर, मिर्ची रहता है ऐसा। अच्छा, स्मॉल मिर्चीज। स्मॉल मिर्ची। ओके, ऑल दैट्स लेफ्ट टू डू फॉर द दाल नाउ इज एक्चुअली टेक द दाल एंड पुट इट इनटू द तड़का। सो द दाल इज नियरली रेडी, द भाटी इज रेडी एंड द चूरमा का लड्डू आर आल्सो रेडी। ऑल दैट्स लेफ्ट टू डू नाउ इज ईट।